नमस्ते सभी को, मैं हूं मनीष खत्री और आधारशिला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पूर्व वीडियो में हमने मापक के बारे में चर्चा की थी, जो कि प्रैक्टिकल के अंतर्गत हमने समझाया था। आज हम कुछ और मापक लेकर उपस्थित हुए हैं, तो उसे हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से मापक है जो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। जैसे पिछली बार हमने एक RF लिया था 1:100 का। अब देखिए यहां पर क्या प्रश्न बन सकता है, यहां पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि ये जो मापक होता है ना, इसे हम प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न कहते हैं। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि 1:100 निरूपक भिन्न को आप रेखात्मक मापक में परिवर्तित कीजिए। तो ऐसे जो प्रश्न होंगे उसको हम किस प्रकार से करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो 1:100 पिछली बार हमने इसको देखा है, उसको हमने समझा है, तो एक शॉर्ट वे में 1:100 को हम वापस लेकर देखते हैं कि अगर प्रश्न आता है कि निरूपक भिन्न 1:100 या प्रदर्शक भिन्न 1:100 को आप रेखात्मक मापक में परिवर्तित कीजिए तो हम कैसे करेंगे। तो इतनी तो जानकारी हमें है कि 1:100 का अर्थ होता है कि जो 100 है वो धरातल की जो दूरी है वो दर्शाता है और 1 है वह मानचित्र की दूरी को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं 1 सेंटीमीटर जो कि मानचित्र का है और ये प्रदर्शित क्या कर रहा है, ये 100 सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है जो कि क्या है, धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। ये धरातल और यहां पर हम लिख देते हैं मानचित्र। जहां 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, तो अगर इसे हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हम 100 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका मीटर में परिवर्तित। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर धरातल की 1 मीटर को परिवर्तित करता है। यहां पर एक बात को हमें जानना आवश्यक है कि धरातल में कितने भी मीटर हो, परंतु हमें धरातल का 1 मीटर हमारे कितने सेंटीमीटर है इसे कन्वर्ट करना होगा। तो यहां तो इजीली हो जाता है, परंतु आगे जब RF 1:20 का, 1:30 का या 200 का आ जाता है तब हमारे सामने दिक्कत आ जाती है। तो हम किस प्रकार से करेंगे इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 1:100 के अंतर्गत 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर का यहां पर हमारे सामने जो डाटा है वह मिल जाता है। तो इसका मतलब होता है कि धरातल का 1 मीटर मानचित्र के 1 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे हम इसको देखते हैं कि हम मापक प्रणाली में किस प्रकार से बढ़ते हैं। तो यहां जहां 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है, तो 10 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगा, तो 100 × 10 हो जाता है बराबर 1000 हो जाता है 1000 सेंटीमीटर को। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1000 में अगर हम 100 का भाग दे दें तो यहां पर आ जाता है 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है 10 मीटर को। अब यहां पर हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम एक 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचने वाले हैं और उसको हम मीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहां पर हमारे आंकड़े क्या आ रहे हैं, यहां आंकड़े आ रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर प्रदर्शित कितने को करता है, 10 मीटर को करता है। यानी कि अगर हम 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दें तो उसको 10 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करेगा। यहां पर यह आंकड़ा हमें निकालना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमने पिछली बार किया था और अभी भी हम कुछ चेंजेस देखेंगे इसमें। जैसे ये हमने एक 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी और यहां पर हमने कहा कि 10 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, यानी कि ये 10 मीटर को प्रदर्शित कर रही है, यानी कि प्रत्येक 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां पर इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं इसको। तो हम इसको 10 भागों में बांट देते हैं बराबर, तो ये पहला भाग हो जाता है 1, ये दूसरा हो जाता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस प्रकार से ये 10 भागों में बढ़ जाता है। इसका मीन्स हुआ कि प्रत्येक 1 भाग 1 सेंटीमीटर है और प्रत्येक 1 भाग 1 सेंटीमीटर है जो 1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो चलिए इसके नीचे हम मीटर लिख देते हैं। तो सबसे जो पहला कॉलम है इसको हम 0 से शुरू करेंगे, यहां 0, यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहां हो जाता है 9। अब ये जो प्रदर्शित कर रहा है ना, इसको हम मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मीटर। अब प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि ये हम 0 से शुरू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 0 से इस तरफ मीटर में प्रदर्शित किया जाएगा और 0 के इस तरफ छोटी इकाई में प्रदर्शित किया जाएगा। अब अगर आप सेंटीमीटर में करना चाहो तो आपको पता है कि 1 मीटर के अंतर्गत 100 सेंटीमीटर होते हैं, और अगर आप डेसीमीटर में करना चाहो तो आपको पता है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो ये भी 1 मीटर है, ये कितना रहता है, 1 मीटर रहता है। तो अगर हम छोटी इकाई लेते हैं माना कि डेसीमीटर, तो यहां हम लिख देते हैं 10
अब 10 क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर हम किस में प्रदर्शित कर रहे हैं, यहां पर हम प्रदर्शित कर रहे हैं डेसीमीटर के अंतर्गत। अगर हम यहां सेंटीमीटर लिखते तो हम यहां पर 100 लिख देते, तो इस प्रकार से यह मापक प्रणाली हमारी यहां पर कंप्लीट हो जाती है। और ये क्या रहता है, ये रहता है RF बराबर 1:100 का। अब इसको हम डेकोरेट करते हैं, डेकोरेट के अंदर हम एक बीच में से लाइन खींच देते हैं इस टाइप में, ये। इसके अलावा भी जो पहला कॉलम है ना, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं ऐसे। अब जैसा कि आपको पता है ये 10 डेसीमीटर है, तो इस 10 डेसीमीटर के बीच वाला जो भाग है वो आ जाएगा 5, यानी कि 0 से इस तरफ 5 10 डेसीमीटर को प्रेजेंट कर रहा है, और 0 से उस तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। अब थोड़ा सा इसको हम और डेकोरेट करते हैं। अब डेकोरेट में क्या करेंगे, जो भी कॉलम्स है उन कॉलम्स को हम फिल कर देते हैं इस टाइप से, तो यह बन जाता है रेखात्मक मापक। अनुपात क्या रहा इसका, 1:100 का, और हमने इसको 10 भागों में बांट दिया। अब जरूरी नहीं है कि इस रेखा को हम 10 भागों में बांटें, ये जो रेखा है इसको हम 5 भागों में भी बांट सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक भाग होगा जो 2 मीटर को प्रदर्शित करेगा, तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये पिछली बार मैंने आपको बताया, तो अपन एक काम करते हैं कि इसको भी 5 भागों में बांट के देखते हैं। अगर 5 भागों में हम इसको बांट दें तो यह कैसा दिखाई देगा। तो जैसे ये 10 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींच दी, अब हम क्या करेंगे, इसे 5 भागों में बांटेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहला कॉलम क्या हो जाएगा, 0 का, उसके बाद में 1 नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि इसको हमने 2 भागों में बांटा है, 2 और फिर यहां 4, यहां पर 6 और यहां पर 8। अब देखिए 0 से इस तरफ अगर 1 सेंटीमीटर का कॉलम होता ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, 10 डेसीमीटर, जबकि ये 2 सेंटीमीटर का कॉलम है तो यह 20 डेसीमीटर का हो जाता है, 20 डेसीमीटर का। तो यहां हम लिख देते हैं डेसीमीटर और यहां पर हम लिख देते हैं मीटर, ठीक है। अब वापस हम वही प्रोसेस करते हैं जो पहले के साथ की, इस प्रकार से इसको 2 भागों में बांट देते हैं, और बांटने के बाद में पहला कॉलम है इसको हम 2 भागों में करते हैं और ये हो जाता है 10। तो ये 10 डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर और वहां पर 2, 4, 6, 8 मीटर। अब इसे हम वापस डेकोरेट करते हैं और डेकोरेट के अंदर हम इसको फिल कर देते हैं। तो 1:100 को इस प्रकार से भी हम रेखात्मक मापक में बदल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इसके हम 10 भाग करें, हम 5 भाग में भी इसको बता सकते हैं कि किस प्रकार से यह प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां पर भी ऊपर हम RF 1:100 लिख देंगे, तो इस प्रकार से यह हमारा 1:100 का रेखात्मक मापक बन जाता है। अब चलिए कुछ और हम मापक लेते हैं 1:100 के बाद भी। अगर हम और मापक की बात करें तो एक और हम मापक देख लेते हैं जो 1:120 का होगा। चलिए तो हमारा अगला जो RF है 1:120 का है। अब अगर हम 1:120 को देखें तो 1:120 के अंतर्गत 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है धरातल के 120 सेंटीमीटर को, 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है मानचित्र का, 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है धरातल के 120 सेंटीमीटर को, ठीक है। तो अगर इसे हम मीटर में कन्वर्ट करें तो मानचित्र का 1 सेंटीमीटर कितने मीटर को प्रदर्शित करता है, तो 120/100 कर देते हैं, तो ये हो जाता है मीटर। तो सिंपल सा है, 1.20 मीटर आ जाएगा। परंतु हमें यहां पर क्या करना है, हमें मानचित्र के हिसाब से नहीं चलना है, हमें मैदान के हिसाब से चलना है। अगर हम मैदान की बात करें तो मैदान का 1 मीटर मानचित्र के कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब यहां पर अगर 100 होता तो बराबर हो जाता, मैदान का 1 मीटर बराबर मानचित्र का 1 सेंटीमीटर, परंतु मैदान के अंतर्गत ये 120 सेंटीमीटर को दर्शा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर दिक्कत हो जाएगी सेंटीमीटर में। इसलिए हम क्या करते हैं, इसे 1 मीटर में चेंज करते हैं कि 1 मीटर मैदान का कितने सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे मानचित्र का। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम पक्षांतरण कर देते हैं। तो पक्षांतरण में क्या हो जाएगा, 120/100 यहां आ जाएगा, तो यह ऑटोमेटिकली 100/120 हो जाएगा, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं वह चेंज हो जाएगी, और ये किस में रहेगा, ये सेंटीमीटर में, और यहां पर 1 चला जाएगा उधर, और ये हो जाएगा मीटर के अंतर्गत। तो 100/120 अगर हम देखें तो लगभग यह 0.83 सेंटीमीटर को दर्शाएगा, यानी कि यहां पर हमने देखा कि मैदान का यानी कि धरातल का
एक मीटर हमारे मानचित्र का कितना रहेगा? मानचित्र का कितना रहेगा? 0.83 सेंटीमीटर। अब यहां से आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जो रेशियो है अगर हमारे सामने आ जाता है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अब सिंपल सी बात है, जैसे पहले हमने देखा कि धरातल का एक मीटर मानचित्र के 0.83 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगा किस अनुपात में? 1:20 के अनुपात में। चलिए आगे हम देखते हैं कि एक सेंटीमीटर धरातल के 120 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। तो 10 सेंटीमीटर धरातल के कितने सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगा? तो 120 इंटू 10 यानी कि कितना हो गया? 1200 हो गया। कितना हो गया? 1200 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर इसको मीटर में देखें तो 10 सेंटीमीटर कितने मीटर को प्रदर्शित करेगा? तो कितना हो जाएगा? 12 मीटर को। इसका मतलब क्या हो गया कि 10 सेंटीमीटर की अगर हम रेखा खींचते हैं तो वह 12 मीटर को प्रदर्शित करेगी। 10 सेंटीमीटर की अगर हम रेखा खींचते हैं तो वह 12 मीटर को प्रदर्शित करेगी, यानी कि उसके अंदर हमें 12 भाग करने पड़ेंगे। प्रत्येक एक भाग एक मीटर को दर्शाएगा और वह भाग कितने सेंटीमीटर का होगा? तो वह भाग होगा 0.83 सेंटीमीटर का। आप इस बात को ध्यान से समझना, हम 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर रेखा खींचकर। माना कि ये हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची, तो अब इसे हम 12 भाग में बांटेंगे तो वह 12 मीटर को प्रदर्शित करेगा और प्रत्येक एक भाग 0.83 सेंटीमीटर को दर्शाएगा। अब अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो 0.83 सेंटीमीटर काउंट करना बहुत भारी पड़ जाएगा और इसको 12 भाग में बांटना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि इसको हम 12 भाग में बांटें, हमें ये 12 मीटर काउंट करने हैं तो हम इसको कम भागों में भी बांट सकते हैं। जैसे अगर हम 3 मीटर को देखें और 4 भाग इसके कर ले तो 4 × 3 = 12 हो जाते हैं, तो 12 मीटर में भी ये कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसके हम 4 भाग करते हैं तो 10 सेंटीमीटर के हिसाब से प्रत्येक एक भाग 2.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो देखिए इसे हम समझते हैं। तो ये RF पहले हम लिख देते हैं, RF 1:20 का है और ये 10 सेंटीमीटर की एक रेखा है और हम 2.5 सेंटीमीटर के 4 भाग यहां बांट देते हैं, 1, 2, 3 और 4। अब ये प्रत्येक भाग कितना है? 2.5 सेंटीमीटर का है। अब सबसे पहला काम यहां पर 0 और यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां हम कर रहे हैं 3 और यहां हम कर रहे हैं 6 और यहां 9 और 4 × 3 क्या हो जाएगा? 12, यानी कि पूरा 12 मीटर को यह प्रदर्शित कर रहा है। अब 0 से यहां पर कितने है? 3 मीटर है। यहां पर क्या चल रहा है? ये चल रहा है मीटर में, यानी कि प्रत्येक एक कॉलम किसको दर्शा रहा है? मीटर में। तो ये वाला कॉलम भी कितना होगा? मीटर में होगा। तो कितने मीटर को दर्शा रहा है? 3 मीटर को। तो 3 मीटर यानी कि कितने डेसीमीटर हो गए? 30 डेसीमीटर हो गए। एक मीटर में 10 डेसीमीटर और 30 में कितना हो जाएगा? 30 में ये हो जाएगा आपके 30 डेसीमीटर। तो इसको अगर हम 1 और 2 भाग में बांटे तो यह 10 डेसीमीटर, यह 20 डेसीमीटर और यह 30 डेसीमीटर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अब इसको हम वापस से थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, बीच में लाइन लेकर और इसके अंदर हम ब्लैक फिल कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार से 1:120 का जो RF है उसको हम रेखात्मक मापक में चेंज करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इसको हमने 4 भागों में बांटा, इसको हम 3 भागों में भी बांट सकते थे और प्रत्येक एक भाग 4 मीटर को प्रदर्शित करता। तो इस प्रकार से 1:120 को हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। ये हो गया 1:120। अब हम कुछ और RF लेते हैं, जैसे अगर हम आगे देखें तो एक RF हम लेते हैं 1:150 का, यानी कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितने को प्रदर्शित कर रहा है? 150 सेंटीमीटर को। तो सिंपल सा यहां हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है कितना? 150 सेंटीमीटर को। 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है 150 सेंटीमीटर को।
तो यहां पर अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो यह कितना हो जाएगा, 150/100, ये क्या है, मीटर है। अब यहां पर तो सिंपल सा हो जाएगा, 1.50 मीटर हो जाएगा, परंतु हमें मानचित्र के अकॉर्डिंग नहीं चल के धरातल के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि धरातल का एक मीटर हमारे मानचित्र को कितना प्रदर्शित करेगा। तो धरातल का एक मीटर देखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करने पर यह 100/150 हो जाएगा, और ये किसको प्रदर्शित करेगा, सेंटीमीटर को, ये एक वहां चला जाएगा तो ये एक मीटर को। अब 100 में अगर हम 150 का भाग दे दें तो यहां पर लगभग 0.66 आएगा, यानी कि धरातल का एक मीटर मानचित्र पर 0.66 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगा इस प्रकार से। तो यहां हम मानचित्र लिख देते हैं। अब आगे की प्रोसेस अगर इसको हम रेखात्मक प्रणाली में देखें तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, जैसा हमने पहले देखा, एक सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है धरातल पर 150 सेंटीमीटर को, तो 10 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा कितना, 150 × 10 = 1500 सेंटीमीटर को। मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं हम, तो 10 सेंटीमीटर में होगा 15 मीटर। इसका मींस क्या हो गया, इसका मींस ये हो गया कि 10 सेंटीमीटर की अगर हम रेखा खींच देते हैं तो वह 15 मीटर को दर्शाएगी। 10 सेंटीमीटर की अगर हम रेखा खींचते हैं तो वह 15 मीटर को दर्शाएगी, इसका मतलब ये हो जाता है। और प्रत्येक एक भाग होगा वह कितने सेंटीमीटर का होगा, वह होगा 0.66 का। तो यहां पर हम इसको और आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमने 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दी, इसके अकॉर्डिंग इसको 15 भाग में बांटना है, और प्रत्येक भाग कितना होगा, 0.66 सेंटीमीटर का। तो यह भी अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से या व्यावहारिक तरीके से देखें तो मुश्किल हो जाएगा, तो जरूरी नहीं इसे हम 15 भाग में बांटे। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसे हम कुछ छोटे भागों में बांटते हैं। अब अगर हम छोटे भागों की बात करें तो इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं, प्रत्येक एक भाग 3 मीटर को प्रदर्शित कर सकता है। जैसे यहां पर हम समझते हैं, अब जैसे ये 10 सेंटीमीटर है, तो अगर हम 3 मीटर के हिसाब से इसको चले तो हम 5 भागों में इसको बांट सकते हैं। जैसे ये हो गया एक भाग, 2, 3, 4 और 5वां। अब देखिए, अब ये 15 फिट को प्रदर्शित कर रहा है। 15 फिट का मतलब क्या हो गया, पहले हम यहां लिख देते हैं 0, 0 के बाद में डायरेक्टली ये 3 को प्रदर्शित कर रहा है। तो 3 हो गया, 3 के बाद में यह 6 हो गया, फिर ये 9 हो गया, 9 के बाद में ये हो गया 12। अब ये सारे कॉलम हैं जो इक्वल है, ये काम करते वक्त थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बाकी ये सारे कॉलम इक्वल होंगे। अब ये अगर हम सेंटीमीटर की इसको बात करें तो हम ये 2 सेंटीमीटर के अंतर्गत कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर स्केल में अगर हम 5 कॉलम बनाएंगे तो 2-2 सेंटीमीटर का बनेगा। तो प्रत्येक 2 सेंटीमीटर कितने मीटर को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ 3 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो और ये RF कौन सा है, ये RF है 1:150 का। यहां पर ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, मीटर को, और यहां पर यह डेसीमीटर को। अब आप लोग बताइए कि ये 3 अगर मीटर को प्रदर्शित कर रहा है तो कितने डेसीमीटर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 30 डेसीमीटर। और इसको हम और आगे बांट सकते हैं इस प्रकार से, तो ये 10 डेसीमीटर और ये 20 डेसीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। अब थोड़ा सा इसको हम वापस डेकोरेट कर लेते हैं, डेकोरेट के अंदर हम इसको फिल कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक और RF हमारा हो जाता है 1:120 का। तो जरूरी नहीं है कि 10 सेंटीमीटर की लाइन को हम 15 कॉलम के अंदर बांटें, हम ये भी कर सकते हैं कि इसको हम 5 कॉलम में भी बांट सकते हैं, और ऑटोमेटिकली प्रत्येक जो कॉलम है वह मीटर के अंतर्गत काउंट हो जाएगा, जैसे इसमें 3 हो रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, 102 बार आप इस वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे, आपको धीरे धीरे सारी बात समझ में आ जाएगी। चलिए एक और हम ले लेते हैं अनुपात या RF 1:200 का, और उसके बाद में हमारा यह लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला हम RF ले लेते हैं, एक अनुपात 200 का, ठीक है।
अब अगर हम 1:200 की बात करें तो 1 सेंटीमीटर मानचित्र का कितना दर्शा रहा था, 200 सेंटीमीटर को, किसका, ये धरातल का, और ये किसका रहता है, ये रहता है मानचित्र का, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर को दर्शाएगा, तो 200/100 मीटर को। अब सिंपल सी बात है, यहां हमें समझ में आ रहा है कि 2 मीटर को दर्शा रहा है, परंतु हमें क्या करना है, हमें धरातल का 1 मीटर लेना है कि हमारे कितने सेंटीमीटर के अंदर मानचित्र में दर्शाएगा। तो इसको हम वापस पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये 100/ हो जाता है 200, और ये सेंटीमीटर, और यहाँ 1 मीटर हो जाता है। इसका मीन्स कितना हो जाता है, तो 100 में अगर हम 200 का भाग देंगे तो लगभग लगभग क्या 0.5 सेंटीमीटर रहता है, और ये 1 मीटर प्रदर्शित करता है। इसका मीन्स क्या हो गया, धरातल का 1 मीटर हमारे मानचित्र में 0.5 सेंटीमीटर यानी कि आधे सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। आगे की अगर हम गणना देखें तो सिंपल सी बात है कि 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है धरातल के 200 सेंटीमीटर को, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा कितना, 200 × 10 = 2000 सेंटीमीटर को। मीटर की बात करें तो 10 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा कितना, 20 मीटर को। अब सिंपल सी बात है, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचे हैं तो वह 10 मीटर को प्रदर्शित करेगी। 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचे हैं तो वह 20 मीटर को प्रदर्शित करेगी। अब ये 20 मीटर को प्रदर्शित कर रही है, यानी कि अगर इसमें हम 20 कॉलम बना दें तो प्रत्येक एक कॉलम है वह 0.5 सेंटीमीटर का होगा। और सिंपल सी बात है कि 10 सेंटीमीटर की है तो 0.5 सेंटीमीटर का अगर हम कॉलम बनाएंगे तो ऑटोमेटिक 20 कॉलम बन जाएंगे, परंतु ये बहुत भारी पड़ेगा। हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से हम आधा सेंटीमीटर लेकर इसको हम 20 कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, परंतु हम थोड़ा इजी वे देखते हैं, यानी कि अगर हम इसको 5 भाग में बांट दें तो प्रत्येक एक कॉलम 4 मीटर को प्रदर्शित करेगा और ऑटोमेटिकली 20 भाग इसमें हो जाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, 5 भाग में बांट देते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इसको हम वापस 0, और ये कितना प्रदर्शित कर रहा है, 4 में 4, 8, 12, और इसके बाद में हो जाता है 16। अब यहां पर डेसीमीटर की अगर हम बात करें तो जैसा आपको पता है कि 1 मीटर में 10 होते हैं, तो ये 4 का कॉलम हो जाता है, 4 मीटर हो जाता है, यहां 40 डेसीमीटर हो जाते हैं। अब इसको हम और भागों में बांट देते हैं, जैसे कि ये 10 है, ये 20 है, और ये 30 है, और ये 40 डेसीमीटर को, और यहां पर हम मीटर कर देते हैं, और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये कर रहा है 1:200 को। अब थोड़ा सा डेकोरेट इसको हम कर देते हैं इसी टाइप में, और यहां पर अगर हम फिल करें कलर तो कलर के अंतर्गत इस टाइप में ये देखने को मिलेगा। तो यह 1:200 आरएफ को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से जैसे भी आपके सामने आरएफ आते हैं, यानी कि इसको हम निरूपक भिन्न कह सकते हैं, इसको हम प्रदर्शक भिन्न कहते हैं, तो इसको हम रेखात्मक मापक में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में हमने यहां पर जानकारी ली है। मुझे ये आशा है कि बहुत सारे ऐसे मापक है जो हमने लिए हैं, आपको सिखाए हैं, तो इसके बेस पर आप किसी भी प्रकार के जो मापक है उसका उपयोग करके आप रेखीय मापक में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। अब ये आपके लिए प्रैक्टिकल में भी उपयोगी रहता है, और ये आपके लिए भूगोल का कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसके अंतर्गत भी यह चीजें अगर आती है आपके सामने तो आप इजीली तौर पर उसको कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर आएंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, धन्यवाद।